हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन बेस्ड ऑन द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला विच इज गिवन एज the values of the function f of x, for the values of x are given as f of 1 equal to 4 and up to so on. Find the value of f of 6 and also the values of x for which f of x is maximum or minimum. Now the question is, beta, ye aap agar check karein, bilkul practically life se ya daily life mein aisi problem aa sakti hai hamare, agar aap isko सिंपली कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, तो हम कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारे से सोल्व नहीं हो पाता। तो आप एक बार चेक करें प्लीज इसको। बेटा देखो, बिल्कुल सिंपली वे में क्वेश्चन को बताता हूँ। आपको एफ ऑफ 1 गिवन है, एफ ऑफ 2 गिवन है, एफ ऑफ 7 गिवन है, एफ ऑफ 8 गिवन है। ऐसे केस में आपको एफ ऑफ 6 फाइंड करना है, साथ के साथ ये भी बताना है कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू होगी कि वो पॉलिनोमियल जो हमारा कंस्ट्रक्ट होगा वो या तो मैक्सिमम वैल्यू दे या वो मिनिमम वैल्यू दे। इसका मतलब क्या है, देखो जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो चेक करेंगे वो आपका अनइक्वल इंटरवल वाला है या इक्वल इंटरवल वाला है। तो यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वाई द लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज मोर जनरल एज कंपेयर टू न्यूटन्स डिवाइडेड फॉर्मूला, एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला में कम कैलकुलेशंस की नीड क्यों होती है। क्योंकि मैंने एक शोर डाला था कि जो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो हमारा कम कैलकुलेशंस में हो जाता है, बट न्यूटन्स डिवाइडेड फॉर्मूला हमारा ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ होता है। और न्यूटन डिवाइडेड भी अनइक्वल के लिए बेटा, और लैग्रेंज भी अनइक्वल के लिए है। तो जब न्यूटन हमारे पास अनइक्वल के लिए है और लैग्रेंज भी अनइक्वल के लिए है, वाई दिस कोलावरी डी, हम दो फॉर्मूला क्यों कर रहे हैं मेन बात। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में पता चलेगा कि लैग्रेंज हमारा मोर एक्यूरेट है और मोर जनरल है और बहुत अच्छा है किसके कंपैरिजन में, न्यूटन्स डिवाइडेड के कंपैरिजन में। ये ऐसा ही एग्जाम्पल है, देखते रहें आप। तो आपको यहाँ पे पहली चीज़, तो जैसे हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में हमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ती थी बेटा, सब बनाते थे तो आधा टाइम हमारा उसी में कंज्यूम हो जाता था। जब तक हम टेबल क्रिएट करेंगे ना, तब तक तो लैग्रेंज फॉर्मूला की हेल्प से ना इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल देंगे। तो पहली एक्सेप्शन तो यही है जो हम छोड़ते हैं यहाँ पे, किस फॉर्मूला में, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला में, इसीलिए ये बहुत अच्छा है। तो अब हम इसको करते हैं, देखो कैसे। तो हमने बेटा सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट होता है और आपका डिवाइडेड डिफरेंस में भी क्या होता था, पॉलिनोमियल ही कंस्ट्रक्ट होता था। वहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के साथ होता था, यहाँ पर विदाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हो जाता है। तो कैसे, वो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्म। तो मुझे सिंपल सा फॉर्मूला पता है, देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो आप ये चेक कर लें कि जिस पहली वैल्यू पे वैल्यू गिवन है तो एक्स नोट बेटा हमारा क्या है, यहाँ पे 1 गिवन है और जो 2 है बेटा ये हमारा एक्स 1 है, और जो ये है ये हमारा एक्स 2 है, और जो 8 है वो हमारा एक्स 3 की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है बेटा, पहली चीज़ तो ये। इसके बाद हम चेक करेंगे बेटा कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला जाएगा हमारा एक्स थ्री तक। तो एक्स थ्री तक कैसे जाएगा, देखो पहले तो हमें पता है, हम लिख लेंगे सिंपली वी नो दैट, हमने सिंपली लिखना है वी नो दैट लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज गिवन एज, क्या होता है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, कि बेटा एफ ऑफ एक्स जो पॉलीनोमियल हमने कंस्ट्रक्ट करना है अपॉन में क्या रहेगा हमारा, जो ये हमारी वैल्यूज है एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये सभी आ जाएंगे एक बार, तो क्या कि बेटा एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है बेटा, और एक्स माइनस एक्स वन और वो वाली भी, एक्स माइनस एक्स टू और लास्ट वाली भी बेटा एक्स माइनस एक्स थ्री, फर्स्ट स्टेप तो ये रहेगा। और राइट साइड में क्या होगा, देखो एफ ऑफ एक्स नोट से स्टार्ट कर देना आंख मीच के, तो एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एक्स नोट और जितनी भी आर्ग्यूमेंट है सबसे सब्ट्रैक्ट करना एक्स नोट को ही, तो एक्स नोट माइनस, अगर एक्स नोट माइनस एक्स नोट कर दिया तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और समथिंग बाई जीरो चला जाएगा इन्फिनिटी, तो हमने इसको ओमिट करना है एक्स नोट को। जो नेक्स्ट है इसके बाद एक्स वन का नंबर है, तो एक्स वन भी आएगी, एक्स नोट माइनस उससे नेक्स्ट वाली एक्स टू भी आएगी, उससे नेक्स्ट वाली एक्स थ्री भी आएगी। क्लियर बेटा,
अगर चार होती तो इसको हम सोन फॉर्मूला को एक्सपांड कर देते, उसके बाद प्लस एफ ओफ एक्स वन की बारी आएगी। जब एफ ओफ एक्स वन की बारी आएगी तो एक्स वन से ही सब्ट्रैक्ट करना है सबको, कि एक्स वन माइनस पहले वाली एक्स नोट, एक्स नोट के बाद नंबर आएगा एक्स वन का। जब हम एक्स वन माइनस एक्स वन करेंगे अगेन जीरो, तो इसको इसलिए स्किप कर देते हैं। फॉर्मूला में रट्टा मारने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न मैंने आपको बताया है, इसका प्रूफ भी मैंने करवाया है, तो इसको आप इजीली स्टेप बाय स्टेप करें। फिर ऐसे ही आप एफ ओफ एक्स टू के लिए लिखोगे और एफ ओफ एक्स थ्री के लिए भी लिखोगे। फॉर्मूला थोड़ा सा वाइड हो जाता है, तो घबराना नहीं है, बने रहना हमारे साथ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है बेटा। एफ ओफ एक्स टू, तो एक्स टू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स टू माइनस एक्स नॉट, फिर एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर एक्स टू माइनस एक्स टू की बारी स्किप कर दीजिएगा, तो एक्स टू माइनस एक्स थ्री के साथ मैं इसको ख़त्म कर ले जाऊँगा। तो बने रहें हमारे साथ और घबराएं ना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें। सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करें एक्स थ्री के साथ। तो एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एंड लास्ट वन इज एक्स थ्री माइनस एक्स टू। अगर करेंगे ज़्यादा होशियारी, मैथमेटिशियन बनेंगे तो एक्स थ्री माइनस एक्स थ्री कर देंगे, लेकिन जीरो समथिंग इन्फिनिटी इन्फिनिटी समथिंग। अब आगे करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है, बस आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो एफ ओफ एक्स एज इट इज रहेगा बेटा, वैल्यू आपको सभी मैंने पहले लिखी दी थी, एक्स माइनस एक्स नोट, एक्स नोट कितना है वन, तो एक्स माइनस वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है टू, तो एक्स माइनस टू, और सेवन कितना है एक्स टू, तो ये आ जाएगा x माइनस सेवन, और x3 कितना है 8, तो x माइनस 8, ठीक है बेटा, इक्वल टू एफ ओफ एक्स नोट कितना है, देखो एफ ओफ वन 4 गिवन है, तो यहाँ पे आएगा, तो एफ ओफ एक्स नोट आपको एफ ओफ वन कितना गिवन है 4, तो 4 बाय, अब x नोट माइनस x1, x नोट 1, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2, और x नोट माइनस x2 फिर से 1 माइनस x2 कितना है हमारा 7, तो 1 माइनस 7, और ये आ जाएगा 1 माइनस x3 कितना है 8, ठीक है बेटा। प्लस एफ ओफ एक्स वन, एफ ओफ एक्स वन कितना है 5, तो 5 बाय एक्स वन, एक्स वन कितना गिवन है आपका 2, तो 2 माइनस 7 आ जाएगा, और बेटा 2 माइनस 7 से पहले 2 माइनस 4 आएगा, तो 2 माइनस 4, 2 माइनस 7, और इन टू 2 माइनस 8, तो 2 माइनस 8, लास्ट वन एफ ओफ एक्स टू, एफ ओफ एक्स टू कितना है 5, तो 5 बाय, 5 बाय कितना आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स नोट, तो 5 माइनस 4 एंड 5 माइनस 1 एंड 5 माइनस 8, तो 5 माइनस 8 ये आ गया बेटा। लास्ट वन एफ ओफ एक्स थ्री, एफ ओफ एक्स थ्री कितना गिवन है 4, तो 4 बाय 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 एंड 3 माइनस 7, सभी वैल्यूज हमने पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, जो भी पॉलीनोमियल होगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। अभी उसमें एक्स्ट्रा क्या करना मैं बताया था, एक बार आप मुझे बस रिक्वायर्ड आंसर बता दें क्या आया है इसको सोल्व करने के बाद, सॉरी जोक सपाट। तो ये आंसर आया फाइनली, आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे कि एफ ओफ एक्स इक्वल टू 1/6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16, यहाँ पे उसके बाद आपको एफ ओफ सिक्स फाइंड करना है, तो आपने जस्ट इसमें क्या करना है 6 पुट कर देना है, जो भी आएगा कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। एक स्टेप और, तो यहाँ पे आपको बताना है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम है और मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोअर क्लास में हम करते आए हैं, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए आप उस फंक्शन का क्या कर देते हैं डेरिवेटिव। तो आपने सिर्फ क्या करना है एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है एफ डैश एक्स, और उसको जीरो के बराबर रख देना बेटा। एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर जब रखोगे, वहाँ से जो भी एक्स की वैल्यू आएंगी उन वैल्यूज पे आपको या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो आप करके देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाएं, बहुत एफर्ट लगता है यार प्लीज़। और उसके बाद तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।